हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूफोर्बिया मिली के बारे में, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक ही पॉट में दो अलग अलग टाइप्स के यूफोर्बिया मिली को ग्रो किया है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक का कलर आप देख सकते हैं लाइट बेबी पिंक कलर का है और दूसरा डार्क पिंक रेडिश कलर का है। तो फ्रेंड्स, आप इसे कटिंग से काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और मेरी ये जो दो प्लांट्स हैं मैंने इसे कटिंग से ही ग्रो किया है। इसका जो मेन प्लांट था फ्रेंड्स, वो काफ़ी बड़ा और पुराना हो चुका था, तो मैंने उसके ही कुछ कटिंग लेकर इसमें ग्रो कर दिया है। तो जिससे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं और इसमें रूट्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। और आप फ्लावर की क्वांटिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसमें काफ़ी कांटे होते हैं और अगर आप इसे रीपॉट करें या फिर आप इसे कटिंग से ग्रो करें तो थोड़ी सावधानी के साथ इसे टच करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसे एक हफ्ते दो हफ्ते अगर वाटरिंग नहीं भी करते हैं फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्लांट्स में किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं होता है। और लेकिन फ्रेंड्स, आप इसे फर्टिलाइज ज़रूर कीजिए और फर्टिलाइज़ में मैंने काउडंग कंपोस्ट यूज़ किया है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लीव्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे होते हैं, थिक होते हैं इसके लीव्स और इसमें काफ़ी बंच में फ्लावरिंग होती हैं और बहुत दिनों तक फ्लावर्स इसी तरीके से प्लांट्स में बने रहते हैं। और इसे ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होता है और फ्रेंड्स, लगभग ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ही इसकी लो केयर होती है और ज़्यादा इसे, और फ्रेंड्स इसके मिनिएचर वैरायटी भी आते हैं। मेरे पास ये वाले दो वैरायटीज़ हैं और मिनिएचर वैरायटी आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा और ये लगभग 70-80 रुपीज़ में नर्सरी में मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से भी जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं या कहीं पर नेबर में आपको इसका कटिंग वगैरह मिल जाए प्लांट की, तो फिर आप वहां से भी इसकी कटिंग लाकर ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लगभग पूरे साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले प्लांट है। तो आप इसको देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और मैंने इसे 3 से 3.5 महीने पहले इसे ग्रो किया था कटिंग से। और आप देख सकते हैं प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और एक सुंदर सा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ग्रो करके देखिए, अपने गार्डन में इसे ऐड ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।